हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक सेटअप का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि है स्टॉक स्कूल नाम के एक यूट्यूबर की, जिनके यूट्यूब के अंदर 1,25,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। और उनका ये सेटअप है जिनके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 99% की है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। एंड ऐसे ही और बैक टेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेटअप आखिर है क्या एंड आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो आप इसको ऑप्शंस के अंदर यूज कर पाओगे। इसका जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 5 मिनट का रहने वाला है। एंड जो हमारे कैंडलस्टिक है वो हमें यहाँ पर हैक एंड ऐसी कर देनी है। और उसके बाद आपको इंडिकेटर के अंदर जाना है। इंडिकेटर के अंदर आपको विलियम परसेंटेज आर इंडिकेटर देखने को मिलेगा, आपको वो चार्ट के अंदर लगा देना है। अगर आपको ये इंडिकेटर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर आप मुझको पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और उसका जो सेटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो अपर बैंड है उसको यहाँ पर -14 और जो लोअर बैंड है उसको हमने -60 कर दिया है। बाद में आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें अपनी एंट्री किस तरीके से बनानी है। तो जब ये लाइन इस -40 के लेवल को क्रॉस कर देती है तो आपको वहाँ पर एक सी बाय करना होता है। बट आपको उसी टाइम यहाँ पर चार्ट के अंदर देखना है कि जो हैक एंड ऐसी कैंडलस्टिक है वो यहाँ पर ग्रीन में होनी चाहिए। एंड उसी के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर कोई भी विक नहीं है, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के लिए आप यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है उसको नॉर्मल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको अपनी एंट्री कहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। एंड एग्जिट की अगर बात करें तो जब ये हैक एंड ऐसी कैंडल स्टिक रेड में कन्वर्ट हो जाए तब आप यहाँ पर अपनी एग्जिट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक को नॉर्मल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी एंट्री थी एंड यहाँ पर आपका एग्जिट था। तो हमें इसके अंदर 183 पॉइंट देखने को मिल जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर सेल साइड के लिए हो जाएगा, यानी कि पुट के लिए हो जाएगा। जब ये लाइन इस -16 के लेवल को नीचे की ओर क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पर चार्ट के अंदर देखना है। हमें ऐसी कैंडल फाइंड करनी है कि यह हैक एंड ऐसी कैंडलस्टिक रेड में होनी चाहिए और उसके अंदर ऊपर की तरफ कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, जो कि आप चार्ट के अंदर यहाँ देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई भी विक देखने को नहीं मिलती है। एंड एंट्री की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती एंड जब यह ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो आपको वहाँ पर अपना एग्जिट कर देना है। एंड ड्रॉइंग को हम यहाँ पर हटा देंगे एंड जो कैंडलस्टिक है वो हम यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे। यहाँ पर आपकी एंट्री होती एंड यहाँ पर आपका एग्जिट होता तो आपको यहाँ पर 22 पॉइंट का लॉस हो जाता। तो मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया हुआ है जिसका डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। सेटअप के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब चलते हैं डेटा के ऊपर जिसको मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है। तो मैंने इसको 50 ट्रेड के अंदर बैक टेस्टिंग किया हुआ है, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी एंड टाइम देखने को मिलेगा एंड बाद में आपको यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेंगे। एंड मैंने इसका बैक टेस्टिंग बैंक निफ्टी के अंदर किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। बाद में आपको यहाँ पर ड्रॉ डाउन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रॉ डाउन वो है कि जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हमको यहाँ पर पहले ट्रेड के अंदर 353 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पर 41 पॉइंट का लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पर 353 में से 41 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 312 पॉइंट। एंड उसके अगले ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पर 40 पॉइंट का लॉस हो जाता है तो हम 312 में से 40 पॉइंट माइनस कर देंगे तो वो यहाँ पर बचेगा 271 पॉइंट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेट किया हुआ है। एंड मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि 50 ट्रेड के बाद आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। तो 50 ट्रेड के बाद आपको इसके अंदर 28 पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट लॉस में ही रहते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, तो उन्होंने यूट्यूब के अंदर बताया हुआ है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 99% की है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही झूठ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। एक्यूरेसी की अगर बात करें, इसमें आपकी एक्यूरेसी आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कितनी मिलने वाली है और वो है यहां पर 40% की। एंड उन्होंने यूट्यूब पर बोला है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो यहां पर 99% की है, जो कि यहां पर बिल्कुल ही गलत बात है। मैंने इसका 50 ट्रेड के अंदर बैक टेस्टिंग किया हुआ है,
50 में से 20 के अंदर हमें प्रॉफिट होता है और 30 के अंदर हमें यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो इसी को देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही और बैक टेस्टिंग के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।